नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन से। आईएस का ट्विटर अकाउंट चलाने वाला मेहंदी मसरूर विश्वास बेंगलुरु से गिरफ्तार, अपराध कबूलने का दावा, आतंकी संगठन के खिलाफ बड़ी सफलता। पश्चिम बंगाल के मंत्री मदन मित्रा 16 दिसंबर तक हिरासत में, संसद में विरोध करेगी तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम बीजेपी की ममता बनर्जी से पूछताछ की मांग। जम्मू कश्मीर और झारखंड में चौथे दौर का मतदान कल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रधानमंत्री का कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर हमला। संसद पर आतंकी हमले की 13वीं बरसी पर शहीदों को नमन, संसद परिसर में उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। ऑस्ट्रेलिया ने जीता अगले टेस्ट, बेकार गए कप्तान कोहली के 2 शतक। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान से मुकाबला। और आइए देखते हैं पहली खबर। सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के सूचना नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कर्नाटक पुलिस ने आईएस का ट्विटर अकाउंट चलाने के आरोप में मेहंदी मसरूर विश्वास को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मेहंदी ने अपना अपराध कबूल लिया है, लेकिन मेहंदी के पिता ने बेटे को बेकसूर बताया। आईएस का ट्विटर अकाउंट भारत से चलने की खबर के बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आई। जांच पड़ताल के बाद बेंगलुरु पुलिस ने मल्टीनेशनल फूड कंपनी में काम करने वाले मेहंदी हसन विश्वास को पकड़ा। मेहंदी पिछले कई साल से आईएस के लिए ट्विटर अकाउंट चला रहा था। उसे आईपीसी, यूएपीए और आईटी कानून की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। He was particularly close to the English-speaking terrorist of ISIS and became a source of incitement and information for the new recruits trying to join ISIS/ISIL. কি হয়েছে আমি তো মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারছি, বলছে মিডিয়াই বলছে যে কি ইন্টারনেটে করেছে ছেলে, তার জন্য তার আমার ছেলে বলছিল হ্যাক হয়েছে, তার ইমেলটা হ্যাক হয়েছে এবং লোকেও তার ইমেল হ্যাক করে সে করেছে। आरोपी मेहंदी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और उसने वहीं से पढ़ाई की है। पुलिस का दावा है कि ट्विटर पर मेहंदी के 17,000 से अधिक फॉलोअर थे। वो आईएस से जुड़ी सूचनाओं को जमा कर उन्हें ट्वीट के जरिए फैलाता था। मेहंदी के ट्विटर हर महीने 20 लाख बार देखे जाते थे। Our information is clear as of now. He never recruited anybody, nor did he facilitate any such activity within India. He has never traveled outside India. He has been, you can use the word, in the virtual world. जानकारों का मानना है कि सरकार को आईटी एक्ट के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करना चाहिए, साथ ही सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। Well, it's a fact in the public domain that cyber terrorist provision like section 66F has not yet been invoked in many cases, but I think as these kinds of new challenges are emerging, this kind of a provision will be an effective tool in India's fight against cyber terrorism. तो भारत को एक तो security के तरफ ध्यान देना होगा, पर दूसरे तरफ जो मुसलमानों के नाराजगी हैं, जो उनको लगता है उनको नहीं मिला है, उस पे उनको काम करना चाहिए। राजनीतिक दल भी इस मामले को अपने नजरिए से देख रहे हैं। कांग्रेस ने युवाओं को अतिवाद से बचाने की बात कही, तो सरकार का कहना है कि आईएस भारतीयों को अपनी तरफ खींचने में नाकाम रहा है। हमें दिखता नहीं है, उनका इस तरह का दुष्प्रचार जरूर है कि कुछ भारत के लोगों को हमने अपने साथ लिया है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है कि भारत का कोई भी व्यक्ति इनके शैतानी चंगुल में आने वाला है। रेडिकलाइजेशन इज नॉट ओनली विद मुस्लिम एवरी यूथ, इट इज अ वेरी बिग चैलेंज बिफोर द कंट्री। रेडिकलाइजेशन इज अ बिग चैलेंज एंड वेदर इट टेक्स प्लेस विद द मुस्लिम्स, वेदर इट टेक्स प्लेस इन दोस, रेडिकलाइजेशन इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्रीज प्रोग्रेस। देश को इन सब चीजों में और सतर्क रहना चाहिए, एजेंसियों को और सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से विश्व का आतंकवाद हिंदुस्तान में पनाह लेने के लिए कोशिश कर रहा है, वो चिंताजनक बात है। इस्लामिक स्टेट ने इराक और सीरिया के कई हिस्सों पर कब्जा कर रखा है। अमेरिका की अगुवाई में गठबंधन सेना आईएस से निपटने में लगी है। मुंबई के पास कल्याण से इराक गए 4 युवकों में एक आरिफ मजीद पिछले महीने भारत लौटा था। आरिफ फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में है।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बारे में और बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कादियान साहब, जिस तरीके से इस शख्स की गिरफ्तारी हो रही है, इससे पहले अलग अलग तरह के इनपुट्स मिल रहे थे कि आईएस भारत में पांव पसारने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये माना जाए कि वो तमाम जो आशंकाएं थीं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी, उसके पुख्ता सबूत अब मिलने शुरू हो चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो मुबारकबाद की दावेदार हैं, हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने इतने कम समय में जो एक मीडिया का, जो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहा था आईएसआईएस की फिलॉसफी को फैलाने के लिए ट्विटर के जरिए, उसको गिरफ्तार किया है। ये तो कुछ दिन पहले से खबर आ रही है कि आईएसआईएस अपना जो प्रभाव है वो अपने अड्डे ढूंढ रही है भारत में, बर्मा में, बांग्लादेश में, ये पूर्वी देशों की तरफ। और इसमें सबसे बड़ा हाथ, जो सबसे बड़ी मदद उनको मिल रही है, वो पाकिस्तान की आईएसआई से मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान दुर्भाग्यवश वास्तविकता को नहीं देख पा रहा है। आज दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में सिर्फ यमन और सोमालिया को छोड़ के पाकिस्तान सबसे ऊपर है। और ये जो आतंकवाद जो उन्होंने पाला है, जो आतंकवाद का एक किस्म से मदर बोर्ड जो पाकिस्तान है, ये अल्टीमेटली नुकसान इसी को होगा। उनके कुछ फेवरेट आतंकवादी संस्थाएं हैं और कुछ के पीछे वो लगे हुए हैं। आज तक उन्होंने LET या जमायत उल दावा, जो सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खड़ी करी है, किसी मिलिटेंट को, किसी टेररिस्ट को ना मारा है ना उसको पकड़ा है। ये तो नवाज शरीफ साहब को भी इन लोगों की मदद मिली थी पिछले साल इलेक्शन में। इमरान जो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे थे पिछले साल, वो भारत में आए थे, मैंने खुद उनका टेलीविजन इंटरव्यू सुना था। उन्होंने दावा किया था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो 3 महीने के अंदर अंदर मिलिटेंट टेररिज्म खत्म कर दूंगा। ये दावा सिर्फ वही कर सकता है जिनका उनसे कोई साठगांठ हो, जो उनसे मिलाप हो, वरना तो फौजें भी इतना जल्दी इस बीमारी को नहीं मिटा सकती हैं। ये जब तक हमारा फोकस, पाकिस्तान अभी भी टेररिस्ट हमले कर रहा है, पिछले 10 दिन में 4 हमले तो उनके पिछले फ्राइडे को हुए थे, एक हमला नौगांव में जो नाकामयाब हुआ था, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट क्लोथिंग, वेपन्स, इक्विपमेंट लेके आए थे। ये कार्रवाइयां भारत के खिलाफ और भी चलेंगी। भारत की इंटेलिजेंस, पाकिस्तान को हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। जो आपने बात की सतर्क रहने की, मैं इस पर आना चाह रहा था कि असल में हमें पता है कि किस तरीके से सेंसिटिव जोन है भारत आतंकियों के लिहाज से, और क्या ऐसे में अगर मैं इसी शख्स की गिरफ्तारी को लेकर कहूं, भले ही बधाई आप दे रहे हों, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि विदेशी एक चैनल, विदेश से मिली जानकारी ये बताती है कि हमारे देश में ISI ट्विटर हैंडल करने वाला शख्स भारत का है, भारत से कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी खुफिया एजेंसियाँ उस तरह की सतर्क नहीं है जिसकी ज़रूरत ऐसे हालात में होती है? देखिए, ऐसा है, हमारा 125 करोड़ आबादी का देश है, हम एक सेकुलर कंट्री हैं, हमारे बॉर्डर्स खुले हुए हैं, 7 देशों के साथ हमारे बॉर्डर लगते हैं, जिसमें पाकिस्तान तो आतंकवाद को बढ़ावा ही दे रहा है, नेपाल, बांग्लादेश ऐसे हैं जो शायद मर्जी से नहीं दे रहे, लेकिन उधर से भी आतंकवादी हमारी तरफ आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। जहाँ तक ये मेहदी विश्वास को पकड़ने का है, तो दुर्भाग्य की बात इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए ये है कि वो जो एक कोई ऐसी कार्रवाई जो आतंकवादियों की कामयाब होती है तो हम उनको उनका फेल्योर मानते हैं, लेकिन जहां वो कामयाब होते हैं वो किसी को नहीं पता चलता है। जितने हमले वो रोक चुके हैं या रोक रहे हैं वो पब्लिक को पता नहीं लगेगा। हमारी एजेंसी कारगर हैं, हमारे देश की जो व्यवस्था है, जो हमारा सेकुलरिज्म है, हमारी मल्टीपल सोसाइटीज हैं, कल्चर है, उसको देखते हुए भारत हमेशा वल्नरेबल रहेगा। और ये सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज की नहीं, हम सब, हमारी जनता को भी साथ लगना पड़ेगा। ये सतर्कता सिर्फ एजेंसीज तक नहीं, ये तो गली गली में होनी चाहिए, जब भी तो हम इसके खिलाफ कामयाब हो सकेंगे। इस गिरफ्तारी के साथ, जहां तक मैं मानता हूं, ये एक बड़ा गहरा मैं माफी चाह रहा हूं सर, आपको रोक रहा हूं बीच में, कि इस गिरफ्तारी के साथ जो कई सवाल एक्सपर्ट्स ने उठाए हैं, उनका ये भी कहना है कि स्टेट और सेंटर के बीच में जो एजेंसियां होती हैं उनमें कोऑर्डिनेशन की बेहद कमी है, जिसका फायदा इस तरह के लोग
अपने मंसूबों को कामयाब करने में उठाते हैं। क्या लगता है कि सिर्फ ध्यान नहीं दिया जा रहा या फिर एक बड़े परिवर्तन की जरूरत है जिसे हम शायद शुरू भी नहीं कर पा रहे? आपने सही कहा, ये हमारी कमजोरी है, ये हमारे सिस्टम में कमी है। बॉम्बे अटैक के बाद कोशिश की गई थी कि एक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर कामयाब किया जाए जो रियल टाइम हर स्टेट से इंफॉर्मेशन ले सकें, उसको एनालाइज कर सकें, एक डेटा बेस हो उनके पास और वो हमले से पहले उस इंफॉर्मेशन को जहां टारगेट उनकी है वो बता सकें। लेकिन क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब तक स्टेट नहीं मानती वो इसको लॉ एंड ऑर्डर की समस्या समझते हैं, जब मैं मानता हूं ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो एक नेशनल खतरा है जी। मैं अभी जो नई सरकार आई है वो ज्यादा मेजोरिटी में है, वो कोएलिशन की मजबूरियां उनके ऊपर नहीं है, उनको इस तरह पूरा ध्यान देना चाहिए और एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, आप उसको NCTC कहें या उसमें जो तब्दीलियों प्रपोजल में जरूरत है वो लाएं। लेकिन जब तक हमारे पास सेंट्रल डेटाबेस नहीं होगा, जब तक एक ऐसी एजेंसी नहीं होगी जो पूरे देश की खबरें इकट्ठी कर सके, उनको एनालाइज कर सके, सही समय पर उस इंफॉर्मेशन को बांट सके, ये आतंकवाद के खिलाफ कामयाबी इतनी आसान नहीं होगी। और कादेन साहब, सोशल मीडिया मैं कहूँ कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हाल के कुछ वर्षों में आतंकी संगठनों ने बखूबी इस्तेमाल किया है अपने फायदे के लिहाज से। इसे लेकर भारत में जो कानूनी जानकार है वो कहते हैं कि कानून भारत में बहुत ही कमजोर हैं और शायद हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं उन तमाम लोगों को। इस दिशा में भी आपको लगता है कि कुछ बड़े बदलाव की जरूरत है, जिस तरीके से अमेरिका या फिर ब्रिटेन जैसे देशों में हमने देखा है कि वहां पर साइबर लॉ बहुत ज्यादा कड़े हैं? देखिए, आज के दिन मैं मानता हूं कि भारतवर्ष पर आतंकवाद का खतरा सबसे एक गंभीर खतरा है। इसके लिए टेक्नोलॉजी तो दो धारा एक हथियार है, उसको सही तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो लोग कर भी रहे हैं, और उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, जैसा कि इसने मेहदी विश्वास ने किया है कि वो एक आतंकवादी संस्था की विचारधारा, उनकी फिलॉसफी को फैलाने में टेक्नोलॉजी का उसने इस्तेमाल किया है। जो भी कानून हमें बनाना पड़े, मेरी एक्सपर्टीज कानून में नहीं है, लेकिन जो भी कानून देश को बनाना पड़े, जो भी नियम बनाने पड़े आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए, वो बनाने चाहिए और उन पर अमल होना चाहिए। राज कादेन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस अहम मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि रक्षा सौदों में तेजी लाने के मकसद से सरकार बिचौलियों को कानूनी मान्यता देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बिचौलिए कमीशन एजेंट या दलाल की बजाय कंपनी के प्रतिनिधि होंगे। रक्षा खरीद सौदों में बिचौलियों और कमीशन एजेंटों की भूमिका को लेकर कई बड़े विवाद सामने आ चुके हैं। इसके मद्देनजर मनोहर पर्रिकर का ये बयान बेहद अहम है। समाचार एजेंसी PTI से उन्होंने कहा कि रक्षा कंपनियों के प्रतिनिधि निर्धारित शुल्क लेकर सूचना देंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि बिचौलियों को देश में प्रतिनिधित्व करने के लिए मूल कंपनी से खर्चा वसूलने की इजाजत दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि अभी इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि रक्षा खरीद में पारदर्शिता के लिए साफ सुथरी नीति की जरूरत है और दलाली के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर CBI के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। शारदा चिटफंड मामले में परिवहन मंत्री मदन मित्रा और TMC सांसदों की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी ने आज कोलकाता में एक रैली निकाली। ममता ने कहा कि इस मामले को पार्टी अब संसद में जोर शोर से उठाएगी। केंद्र सरकार के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की यह रैली कोलकाता में ईडन गार्डन से धर्मतला तक निकाली गई। शारदा मामले में अब तक अपनी पार्टी के 3 नेताओं की गिरफ्तारी से ममता बनर्जी नाराज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तहत केंद्र सरकार CBI का दुरुपयोग कर रही है। राज्य के परिवहन मंत्री और TMC नेता मदन मित्रा को शुक्रवार को CBI ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। उन्हें शनिवार को अदालत में पेश किए जाने के बाद कोर्ट ने 16 दिसंबर तक CBI की हिरासत में भेज दिया है। उधर BJP ने कहा है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ CBI अपनी कार्रवाई करेगी।
जो सीबीआई है वो अपना काम कर रही है, सत्य सामने आना चाहिए, जीत सत्य की होनी चाहिए और 17 लाख परिवारों को उनका जो पैसा है वो वापस मिलना चाहिए। इधर वाम दलों ने कहा है कि शारदा चिटफंड मामले में टीएमसी की भूमिका की जांच जरूरी है। इट इज अ फैक्ट ऑल दोस हु आर बीइंग नेम्ड इन कनेक्शन विद शारदा चिटफंड फ्रॉड, ऑल दोस हु आर बीइंग अरेस्टेड एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बिलोंग टू तृणमूल कांग्रेस। सीबीआई को तुरंत ममता बनर्जी की रोल का जांच करना चाहिए, क्योंकि कलकत्ते में और बंगाल में कोई पत्ता नहीं हिलता जब तक ममता नहीं कहेगी। इसलिए ममता का रोल क्या है, चीफ मिनिस्टर की रोल क्या है इस पूरे कांड में, उसकी जांच तुरंत होनी चाहिए और ममता के क्वेश्चनिंग के लिए ममता को बुलाना चाहिए। इस मामले में सीबीआई तृणमूल के राज्यसभा सांसद श्रंजय बोस को गिरफ्तार कर चुकी है। पार्टी के निलंबित सांसद कुणाल घोष भी जेल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में 5वें दौर के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कठुआ और राजौरी में 2 रैलियां की। प्रधानमंत्री ने सीमा पार से आतंकवादी घुसपैठ से लेकर सूबे के विकास का मुद्दा उठाया। जम्मू कश्मीर में 5वें दौर के चुनाव प्रचार की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कठुआ और राजौरी में थे। कठुआ की रैली में उन्होंने सरहद पार से हो रही लगातार फायरिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने सीमा के पास रहने वाले लोगों के हौसले की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कठुआ के वाशिंदे आतंक और गोली से नहीं घबराते। मैं हैरान हूं जो लोग सेना में नहीं है, पुलिस में नहीं है, खेती करते हैं, अपना छोटा मोटा कारोबार करते हैं, उसके बावजूद भी दुश्मनों से लड़ते रहते हैं। लेकिन जब सेना में भर्ती करने की बात आती है तो यहां के नौजवानों की भर्ती बंद कर दी जाती है। मुझे जरा पहले वाली सरकारें जवाब दें, क्या कमी है इन नौजवानों में। राजौरी की रैली में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के विकास के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास से देश को एक नई ताकत मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में इतनी ताकत है, अकेले पानी की ताकत इतनी है कि जम्मू कश्मीर इस पानी से बिजली पैदा करके पूरे हिंदुस्तान का अंधेरा दूर कर सकता है। जो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान को अंधेरे से बाहर निकाल सकता है, वो जम्मू कश्मीर खुद आज अंधेरे में डूबा हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इससे पहले शुक्रवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी कठुआ जिले में कई जनसभाएं की। उन्होंने राज्य के विकास के लिए सुशासन को जरूरी बताया। इस इलाके में 5वें और आखिरी दौर में 20 दिसंबर को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में कल होने वाली 4थे दौर की वोटिंग के लिए सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं और देखना अहम होगा कि इस चरण में वहां पर मत प्रतिशत कितना जाता है। जम्मू कश्मीर की 18 विधानसभा सीटों पर रविवार को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 4 जिलों में होने वाले मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस दौर में राज्य के 14 लाख से ज्यादा मतदाता 182 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर का फैसला करेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं। किसी भी अप्रिय वारदात को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 4 जिलों की सीमाओं को सील कर दिया गया है। यहाँ आने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। मतदान केंद्रों पर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इंतजाम हमने जो हालात है उसके हिसाब से बिल्कुल तसल्ली बख्श हमने जो है इकदाम किए हैं। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहेगा। गौरतलब है कि सूबे में मतदान के 3 दौर पूरे हो चुके हैं। पहले 2 दौर में राज्य में 70% से ज्यादा रिकॉर्ड मतदान हुआ। वहीं 9 दिसंबर को तीसरे चरण में 58% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। उम्मीद की जा रही है कि रविवार को भी मतदान की ऐसी ही रफ्तार देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने BJP नेताओं के विवादित बयानों पर एक मुहिम शुरू की है। NSUI कार्यकर्ता देश भर में BJP और RSS के नेताओं के घर गेट वेल सून लिखकर पर्चे भेजेंगे।
कांग्रेस के साथ उसकी छात्र इकाई के नेताओं ने भी सत्ताधारी बीजेपी और संघ के नेताओं को घेरना शुरू कर दिया है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शनिवार को इसकी शुरुआत नागपुर में आरएसएस मुख्यालय को गेट वेल सून लिखे एक पैम्पलेट भेजकर की। छात्र संगठन के मुताबिक वो इसे तब तक जारी रखेंगे जब तक बीजेपी की तरफ से इस तरह के बयान बंद नहीं हो जाते। मैं ऐसा लगता है कि इन लोगों की मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। देश के छात्र पूरे देश से इनको गेट वेल सून कार्ड्स भेज देंगे। गौरतलब है कि बीते दिनों केंद्रीय राज्य मंत्री निरंजन ज्योति, सांसद साक्षी महाराज और दूसरे नेताओं की तरफ से भड़काऊ बयान आए, जिस पर संसद से सड़क तक काफी हंगामा हुआ। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। संसद पर आतंकी हमले की आज 13वीं बरसी है। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लोकतंत्र के मंदिर संसद पर हुए आतंकी हमले में शहीद सुरक्षा कर्मियों को उनके बलिदान के लिए शनिवार को श्रद्धांजलि दी गई। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। उन्होंने जो देश का नुकसान होने से बचाए वो उसमें सबसे बड़ा है, इसलिए आज भी उनकी स्मृति तो आती ही रहती है क्योंकि साथ में वो काम करते थे हमारे। जिन लोगों ने बलिदान दिया है अपना, उनको यह देश कभी भूल नहीं सकता है। मैं आज के अवसर पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन परिवारों के प्रति भी हृदय की गहराइयों से सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत कई नेताओं ने भी संसद हमले में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी। आज का दिन जो है वो स्मरण दिलाता है कि संकट अभी टला नहीं। आज भी याद करके मन सिहर उठता है, दिल दहल उठता है। जिस तरह की घटना थी, दोबारा कभी संसद पर इस तरह का हमला ना हो, यही हम चाहते हैं। आज का दिन यानी 13 दिसंबर 2001 में 5 आतंकियों ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद को निशाना बनाने की कोशिश की थी। सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और हमले को नाकाम कर 5 आतंकियों को मार गिराया। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5, सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल, संसद सुरक्षा सेवा के 2 सहायक और संसद के एक कर्मचारी को जान गंवानी पड़ी थी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। भुवनेश्वर में 35वीं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में आज भारत और पाकिस्तान में सेमीफाइनल मुकाबला है। दोनों ही टीमों ने खराब शुरुआत। आज जब हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में उतरेंगे तो दोनों के सामने खुद को 20 साबित करने की चुनौती होगी। मैच के दौरान दोनों ओर से रोमांच, शोरगुल और दबाव की मौजूदगी स्वाभाविक है। भारत और पाकिस्तान दोनों बखूबी जानते हैं कि प्रतिद्वंदी को हल्के में लेना कितनी बड़ी भूल होगी। भारत की मजबूती उसके तीनों ड्रैग फ्लिकर्स हैं, जिनकी गिनती दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर्स में होती है। पाकिस्तान को भारत की इस मजबूती के खिलाफ खास रणनीति के साथ उतरना होगा। दूसरी ओर क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स के खिलाफ पेनाल्टी कॉर्नर पर पाकिस्तान का प्रदर्शन देखने लायक था। भारत की परेशानी कमजोर डिफेंस है तो पाकिस्तानी टीम आत्मविश्वास की कमी से जूझ रही है। दोनों टीमों के अब तक के प्रदर्शन की बात की जाए तो भारत को पहले मैच में जर्मनी से 1-0 से हार मिली थी। उसके बाद शानदार वापसी करते हुए भारत ने नीदरलैंड्स को 3-2 और बेल्जियम को 4-2 से हराया। वहीं पाकिस्तान भी क्वार्टर फाइनल्स में नीदरलैंड पर 4-2 से मिली जीत के बाद आत्मविश्वास से भरा है। कुल मिलाकर दोनों टीमों को साबित करना होगा कि क्वार्टर फाइनल में मिली जीत महज तुक्का नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।